लॉटरी जीतना और एक ही झटके में अमीर बनना हर किसी इंसान का छिपा हुआ सपना होता है, लेकिन वैसा होता नहीं है जैसा हम सब चाहते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 70% लॉटरी विनर्स लॉटरी जीतने के 5 साल के अंदर अंदर ही कंगाल हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही लॉटरी विनर्स के बारे में जो जल्दी ही कंगाल हो गए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आपको बताते हैं इन लॉटरी विनर्स के बारे में जो जल्दी ही कंगाल हो गए। सबसे पहले नंबर पर आती हैं एक ऐसी महिला जिनको एक बार नहीं बल्कि 2 बार लॉटरी जीतने का मौका मिला, और उस महिला का नाम है एवेलिन मैरी एडम्स, जो कि पॉइंट प्लीजेंट बीच पर स्थित 7-11 की मैनेजर रह चुकी हैं। उनकी 1985 में $3.9 मिलियन की लॉटरी लगी और फिर इत्तेफाक से अगले ही साल 1986 में फिर से $1.4 मिलियन की लॉटरी लगी। एक आर्टिकल में ऐसा बताया गया है कि इस लॉटरी को जीतने की संभावना 17 ट्रिलियन में से सिर्फ एक बार ही होती है, जो कि बहुत कम होती है, जिससे वो बहुत खुश हो गई और अपने पैसों को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसने गैम्बलिंग खेलना शुरू कर दिया और एथलेंटिक सिटी में वो $5.4 मिलियन हार गई। तो इस तरह लोगों ने उसको कंगाल से अचानक अमीर और फिर अमीर से अचानक कंगाल होते हुए देखा। उन्होंने बताया कि लॉटरी जीतने के बाद उनकी फैमिली ने उसे दोबारा खेलने के लिए फोर्स किया, जिसकी वजह से वो इतने सारे पैसे हार गई। वो कहती हैं कि सबको मेरी दौलत चाहिए थी और सबने फिर अपना हाथ हटा लिया। काश मुझे ये सब दोबारा करने का मौका मिले ताकि फिर मैं अपनी समझदारी दिखा सकूं। नंबर 2, जे सोमर्स, जो कि एक प्रख्यात ड्राइवर थे। ऑटोमोबाइल रेसिंग क्लब ऑफ अमेरिका में 1988 में जब वो 20 साल के थे तब उन्होंने अपने लक से मिशिगन लॉटरी से $5.9 मिलियन की बड़ी धनराशि जीती। अपने बिजनेस में सैकुशल ना होने की वजह से उसने अपने फ्रेंड जॉन पेगन को अपना मैनेजर रख लिया ताकि वो उसकी धनराशि की देखरेख कर सके, जो कि उसकी अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसके फ्रेंड जॉन ने गलत बिजनेस डील्स में काफ़ी सारा पैसा बर्बाद कर दिया, और इतना ही नहीं, उसने जे के सिग्नेचर्स कॉपी करके उसके सारे पैसों को अपना कर लिया, जिसकी वजह से जे को जल्दी ही कंगाल घोषित कर दिया गया। तब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। एक समय पर इतना पैसा होने के बावजूद उसे अब अपने खर्चे के लिए पिज़्ज़ा डिलीवरी की नौकरी करनी पड़ी। उसने जॉन के खिलाफ केस भी दर्ज किया लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाया क्योंकि उसका सारा पैसा अपने खर्च में और उधार चुकाने में ही चला जाता था। तीसरे नंबर पर आते हैं फ्लोरिडा कपल एलेक्स और रहोडा टोथ। उनकी फैमिली में उनके अलावा उनके 6 बच्चे भी शामिल थे और वो उनका खर्च निकालने में काफ़ी परेशानी का सामना भी कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने लॉटरी टिकट खरीदी। 1980 में उन्होंने लॉटरी जीत ली और उन्हें $13 मिलियन की धनराशि प्राप्त हुई। उन्होंने वो सारा पैसा होटल में महीनों रहकर, जुआ खेलकर, शॉपिंग करके और बड़े जहाज़ों पर वैकेशंस करके बर्बाद कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को एक बार नहीं बल्कि 2 बार कंगाल घोषित कर दिया। 18 साल बाद एलेक्स की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और उन्होंने अपना सारा ब्लेम अपनी वाइफ पर डाल दिया और बताया कि उन्होंने उसके साथ टैक्स फाइल का फ्रॉड किया है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ को 2 साल की कारावास की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद आते हैं विलियम बर्ड पोस्ट्री, जिन्होंने 1988 में पेनिस्टवोनिया लॉटरी से $16.2 मिलियन जीते। उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया कि उनके अकाउंट में सिर्फ $3 है, जो कि उनके अपंग भत्ते की वजह से आते हैं। 8 साल की उम्र से ही बर्ड अनाथालय में रहते थे और वहाँ काम करते थे और हमेशा ही कुछ ना कुछ छोटी मोटी नौकरियाँ भी करते रहते थे। उन्होंने लॉटरी का पैसा हर वर्ष लगभग $5 लाख लेने का फैसला लिया, जो कि उन्हें पूरे 20 वर्षों तक मिल जाएगा। हालांकि बर्ड पोस्ट थोड़े ही महीनों में कंगाल हो गए क्योंकि उन्होंने सारा धन नया घर, बोट्स, फ्रॉड बिजनेस डील्स और प्लेन खरीदने में लगा दिया। हालांकि उनके पास पायलट लाइसेंस भी नहीं था। चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होने लगी जब उसकी पत्नी ने जीती हुई राशि में से 1/3 हिस्सा उनसे ले लिया। 1996 में बर्ड पोस्ट ने अपनी सभी कीमती चीज़ों को ऑक्शन पर लगा दिया। उसने अपनी 17 लॉटरी पेमेंट्स का भी ऑक्शन कर दिया और उनसे जो $8 मिलियन मिलने वाले थे वो भी उसे नहीं मिल पाए। अब हम चलते हैं इंग्लैंड की तरफ, जहां माइकल कैरोइल, जो कि कूड़ा कचरा इकट्ठा करने का काम करते थे, 2002 में उनकी £9.7 मिलियन की लॉटरी लगी, जो कि उस समय $14 मिलियन के बराबर थी। 10 साल के बाद वो कंगाल हो गए और उन्हें अपना गुजारा अनएम्प्लॉयमेंट भत्ते से करना पड़ा। बात सोचने की ये थी कि आखिर सारा पैसा कहाँ चला गया। उन्होंने 10 साल तक अपना सारा पैसा ड्रग्स और जुए में खर्च कर दिया और उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है, जिसके बाद वो मांस मछली काटने के काम पर लग गए। उन्हें $500 पर वीक मिलते थे
और वह सबको सलाह देते थे कि अगर किसी की लॉटरी लग जाए तो अपने फेक फ्रेंड से बच के रहो और वो जगह छोड़कर चले जाओ। दोस्तों, आपको किसकी कहानी जानकर सबसे ज़्यादा हैरानी हुई मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।